नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। केंद्रीय मंत्री और गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हर सुख दुख में सिंधिया परिवार इस क्षेत्र की जनता के साथ हमेशा खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। चाहे कोरोना काल हो या ओलावृष्टि का समय, हर समय सिंधिया परिवार का मुखिया होने के नाते वह सुख दुख की इस घड़ी में क्षेत्र की जनता के साथ रहे हैं और आगे भी साथ रहेंगे। सिंधिया ने यह बातें शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र के रायश्री में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कही। ग्राम रायश्री में आयोजित सभा के दौरान सिंधिया ने कहा कि क्षेत्र की जनता से उनके पारिवारिक संबंध है। वह इस क्षेत्र में दिमाग से नहीं, दिल से हैं और हृदय से काम करते हैं। सिंधिया परिवार की सोच रही है कि क्षेत्र की जनता के साथ सिंधिया परिवार के मुखिया के नाते वह कंधे से कंधा मिलाकर क्षेत्र की जनता के लिए काम करें और विकास के पथ पर इस क्षेत्र को ले जाएं। सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 65 साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। 10 साल में मोदी जी ने देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को गैस चूल्हे दिए गए हैं। किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है। सिंधिया ने कहा कि जो सम्मान किसान सम्मान निधि केंद्र की तरफ से 6,000 और राज्य की तरफ से 6,000 रुपए मिलती है, अगर वह 2020 में कांग्रेस की सरकार नहीं बदलते तो दो जुड़वा भाइयों के खाते में यह किसानों की राशि चली जाती। राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले 6,000 रुपए की राशि दोनों जुड़वा भाइयों के पॉकेट में चली जाती, लेकिन मैंने उनके पॉकेट से यह राशि निकाल कर आपके खाते में डाली है। इसलिए अब 7 मई को एक बार फिर से मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए अब की बार 400 पार के नारे के संकल्प को पूरा करना है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।